हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोकेमोन जी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोकेमोन थियरी गाइस। सो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, आपने अगर पोकेन टूर्नामेंट नाम की गेम खेली होगी तो आपको डार्क म्यूटू के बारे में तो पता ही होगा गाइज़। डार्क म्यूटू या फिर शेडो म्यूटू के बारे में तो पता ही होगा गाइज़। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखता है गाइज़। सो आपने अगर ठीक से गौर किया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये डार्क म्यूटू हमारे म्यूटू से थोड़ा सा अलग दिखता है। मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत अलग दिखता है भाई, कलर विलर में। लेकिन उसके शोल्डर पर वो क्रिस्टल क्यू है गाइज़, जो ऑरेंज और येलो कलर का जो क्रिस्टल है वो क्यों है गाइज। सो यही थियरी आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इसके लिए हमें अमरियन पोकेमोन पर जाना पड़ेगा गाइज, जो कि एक डार्क टाइप पोकेमोन है और उसके ऊपर भी म्यूटिक क्रिस्टल जैसे रिंग्स है गाइज। सो अगर आप इस पोकेमोन की पोकेडेक्स एंट्री रखते हैं गाइज, तो आपको ये पता चलता है कि ये पोकेमोन मून लाइट में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है मून से और अपनी एनर्जी बढ़ाता है गाइज। सो वैसी म्यूटो के ऊपर जो डार्क म्यूटो के ऊपर जो ये क्रिस्टल दिख रहा है गाइज, वो क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए होगा गाइज। और मेगा म्यूटू पे जिससे ये क्रिस्टल एक से भले दो हो जाता है, मतलब दो दो क्रिस्टल्स आ जाते हैं गाइज, सो वो मेगा म्यूटू की पावर बढ़ाने के लिए हो सकते हैं गाइज। सो आज के वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा पहला वीडियो है गाइज, सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सो गाइज, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी के लिए बाय।